हेलो फ्रेंड्स, मैं चक्रपाणि सिंह स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे ऑटोकैड सीखने के लिए। आज हम ऑटोकैड में सीखने वाले हैं दो कमांड, डिवाइड और मेजर। ये ऑटोकैड में हम कैसे यूज़ करते हैं, ये क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिवाइड एंड मेजर। डिवाइड जो होता है किसी भी लाइन पे पॉइंट डालने का काम करता है, एक इक्वल सेगमेंट पे। जैसे ये लाइन है, हम इस पे पॉइंट हम डालना चाह रहे हैं, इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। पॉइंट क्या, डिवाइड करना चाह रहे हैं हम इस लाइन को, 5 या 6 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड, DIV, DIV इसका शॉर्ट फॉर्म है डिवाइड का, DIV टाइप करके एंटर करेंगे। सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। नंबर ऑफ सेगमेंट हमने 6 चाहा, एंटर किया और ये 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये 6 टुकड़ों में बट गया है, ऐसा नहीं है। इस पे पॉइंट डला है और वो पॉइंट जो है इस तरह से डला है कि इसका सारा सेगमेंट, जो अपने पास जो लाइन थी वो 6 सेगमेंट में बट गया। अगर हम चेक करें तो इस लाइन को अगर सेलेक्ट करते हैं तो लाइन पूरी सेलेक्ट होगी, एक सेगमेंट सेलेक्ट नहीं होगा। लेकिन हम चेक करें अगर लेंथ फर्स्ट सेगमेंट का, तो ये भी 3.33, सेकेंड सेगमेंट का ये भी 3.33, ऐसे ही सारे सेगमेंट को चेक करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 3.33333। ये हुआ डिवाइड। अब एक आता है मेजर। मेजर भी इसी तरह का कमांड है, लेकिन उसमें जो है हम लोग डालते हैं कि इस लाइन को इस तरह से इस पे पॉइंट डालने हैं कि हर सेगमेंट का डिस्टेंस एक स्पेसिफाइड हो और वो स्पेसिफाइड लेंथ हम डालेंगे। मेजर हमने यहाँ से शुरू किया, मेजर ये डिवाइड था, यहाँ से भी हम क्लिक करके कर सकते थे मेजर, और ये है डिवाइड कर सकते थे, ये मेजर है। हमने मेजर क्लिक किया, मेजर सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर, हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ सेगमेंट हमने 3 डाला, एंटर किया और इस लाइन पे 6 पॉइंट लग गए हैं। कितना पॉइंट लगा इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हर सेगमेंट का लेंथ 3 mm होगा, 3 यूनिट होगा। अगर आपने यूनिट सेट किया होगा तो, अगर यूनिट एमएम में होगा तो 3 mm हो गया, अगर यूनिट अब इंच में सेट किया होगा 3 इंच होगा। हमने कोई यूनिट सेट नहीं किया है तो 3 यूनिट हम मान लेते हैं, सारा 3 यूनिट होगा। लेकिन इस जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन का लेंथ अगर चेक किया जाए तो ये लाइन का लेंथ 20 यूनिट आ रहा है। ये भी 3 mm सेगमेंट, ये भी 3 mm सेगमेंट, ये भी 3 mm सेगमेंट, ये भी 3, सारा 3 है। तो लास्ट में जो बच गया है वो है 2 mm सेगमेंट। शुरू से ये बांटना शुरू कर दिया, इस तरफ से बांटना शुरू कर दिया और ये आ गया, लास्ट में बच गया 2 mm। ओके, तो डिवाइड और मेजर तो आप समझ चुके हो, इसका और क्या काम कर सकते हैं ये भी हम आपको समझा देते हैं। आप समझ लो ये भी, इससे हम क्या यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं, उस पर एक लाइन के अकॉर्डिंग हमें डालना है। अब पाथ एरे आप जानते हो, सेम टू सेम पाथ एरे हम इससे यूज कर सकते हैं। पाथ एरे टाइप, अगर आपके पास जिस ऑब्जेक्ट का पाथ एरे करना है वो ऑब्जेक्ट अगर आपके पास ब्लॉक के फॉर्म में हो तो आप इस पे पाथ एरे टाइप का ये इस कमांड को आप यूज कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक है, 3 ब्लॉक हमने बनाया हुआ है, स्टार, क्यूब, चक, ऐसे कुछ मैंने बनाया हुआ है। तो इसको हम इस पे हम रखना शुरू करते हैं। चलिए हम सबसे पहले मेजर यूज कर लेते हैं, MEASURE, मेजर।
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मोजर, ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। लेंथ ऑफ सेगमेंट तो हमने पहले कर ही लिया था, अब हम एक ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं एक कोई भी ब्लॉक डाल देते हैं हम इसमें। सपोज इसमें हमारे पास कौन कौन सा सब ब्लॉक था, स्टार क्यूब चक्र, हम स्टार डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार नेम ऑफ ब्लॉक स्टार हमने टाइप किया STAR, एंटर। अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा अगली बार में मैं जब यूज़ करूँगा इसको तो भी हो जाएगा। हमने यस और नो कुछ भी हमने कर दिया। और स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट हमने 3 डाला, एंटर। तो हर 3 mm के डिस्टेंस पे आपको स्टार लग गया है, ये स्टार, सारे स्टार 3 mm के सेगमेंट पे लग गया है, आप चेक कर सकते हो। ओके 3 mm के सेगमेंट पे स्टार लग चुका है। अभी हमने एक ऑप्शन को स्किप किया था, अलाइन यस और नो। आप जानते हो कि अगर आप पाथरे जानते हो तो हम अभी वो समझते हैं। ये रहा, ये अपने पास एक लाइन, पूरी लाइन है, पूरी लाइन है। इस लाइन पे हम यूज कर रहे हैं डिवाइड। डिवाइड मेजर आप जान चुके हो, बस हमें ये दिखाना है अलाइन क्या होता है बस। तो हम डिवाइड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, डिवाइड हमने ये रहा डिवाइड। डिवाइड को हम DIV से शुरू कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करके शुरू कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ब्लॉक, हमने ब्लॉक में हमने स्टार डाल दिया, STAR स्टार डाल दिया। अलाइन, मैं दोनों ऑप्शन कर रहा हूँ, आपको समझना है कि दोनों ऑप्शन है क्या। मैं पहले अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट मैं यस कर रहा हूँ, ओके यस। और इंटर नंबर ऑफ सेगमेंट मैं 15 कर दे रहा हूँ, एंटर। ओके सेम ऐसा ही मैं कुछ यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, सेम मैं यहाँ पे भी वही चीज यूज कर रहा हूँ, डिवाइड DIV, एंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ब्लॉक स्टार अलाइन नो नंबर ऑफ सेगमेंट 15। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, अब ये वाला जो है पार्ट अलाइन वाला यस था, ये अलाइन वाला नो था। अगर हम नो हमने किया तो ये स्टार जो है, स्टार का डायरेक्शन देखिए, सब इसका जो है ये एंगल ऊपर की तरफ सब का है, सब है सब है सब। और ऐसे भी देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है इस लाइन के पैरेलल है, ओके 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 ओके। ये सीधा ही रहा, इधर उधर नहीं रहा, सीधा ही रहा, मतलब जैसा स्टार था वैसा रह गया है। यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ पे स्टार जो इस लाइन पे ऐसे रह गया, नेक्स्ट वाली लाइन पे घूम गई है, ये ऑब्जेक्ट घूम गई है, घूम गई है। तो ये हमने अलाइन कर दिया, मतलब इस लाइन के साथ ही जैसे जैसे लाइन घूमेगी उसी तरह से अलाइन होते हुए अपना ये ऑब्जेक्ट या ये ब्लॉक घूम जाएगा। ये अलाइन में यस का ऑप्शन था और ये अलाइन में नो का ऑप्शन था। लाइन किधर भी घूमे ऑब्जेक्ट जो है एक ही डायरेक्शन में पढ़ा रहेगा, ओके। तो यही अलाइन यस और नो था, यही ऑटोकैड में सब जगह यही चीज़ है। लाइन अगर कहीं भी आएगा तो यही चीज़ है। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।